ये चैन कवर खोलने के लिए हमको चाहिए एक 8 नंबर का पाना। ये 8 नंबर का पाना है और ये 6 नंबर की एलंकी। हाउ टू क्लीन KTM RC 200 चैन एट होम। हम KTM RC 200 का चैन होम पे क्लीन करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे गैरेज बंद है और चैन थोड़ा डस्ट ज़्यादा हो गया है, तो घर पे ही सोच रहा हूँ क्लीन कर दूँ चैन। देखेंगे कैसे क्लीन करते हैं और कौन कौन सी सामग्री लगती है घर पे क्लीन करने के लिए। तो सामग्री पहले दिखाता हूँ कौन कौन सी, मतलब चीज़ें। पहले चाहिए ये मिट्टी का तेल या केरोसिन जिसको बोलते हैं वो, और एक ब्रश, और ये सब पाना, एक ऑयल का कैप। ये चैन कवर खोलने के लिए हमको चाहिए एक 8 नंबर का पाना। ये 8 नंबर का पाना है और ये 6 नंबर की एलंकी। 6 नंबर की एलंकी और 8 नंबर का पाना लगेगा। 6 नंबर एलंकी से ये खोलेंगे अपन। ये खोलने के बाद 8 नंबर पाने से ये स्क्रू खोलना पड़ता है। ये स्क्रू 8 नंबर पाने से खुलेगा। चैन कवर ओपन करेंगे यहाँ से। चैन कवर ओपन करके पूरा, मतलब केरोसिन से पूरा चैन को, गाड़ी चालू करके चैन को पूरा, मतलब ब्रश से घिसेंगे, थोड़ा क्लीन करेंगे चैन केरोसिन से। पहले ऊपर से घिस के फिर घिस के, अभी ब्रश से घसने के बाद एक कपड़ा लेंगे, कपड़े से घसेंगे। दिखाता हूँ कैसे। गाड़ी की चैन को सफा करने के लिए कपड़ा लेके चैन को पहले घिसेंगे, ऐसा चैन क्लीन हो जाए पूरा। पकड़ के रखना है इसको, चैन क्लीन हो जाएगा। उसके बाद ऑयल मारेंगे, फिर उसके बाद डिस्प्ले करेंगे। पहुँचने के बाद इसमें ऑयल लगाएंगे, ऑयल डालेंगे हम पहले चैन थोड़ा फ्री होने के बाद, फिर स्प्रे करेंगे ऑयल डाल के। थोड़ा चैन मतलब फ्री हो जाए। ऑयल डालने के बाद थोड़ा फ्री करेंगे चैन, टायर घुमा के चैन फ्री करेंगे। चैन फ्री करने के बाद थोड़ा स्प्रे फिर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास स्प्रे नहीं, स्प्रे ख़त्म हो चुका है पुराना मेरा। मैं अभी सुबह मॉर्निंग में स्प्रे का, दोस्त के पास स्प्रे, उससे लूँगा स्प्रे, फिर स्प्रे करूँगा। आज के लिए इतना ही। फिर अभी फटाफट पैक करते गाड़ी को, फिर चलते। ये कहा कि हम लोग अभी मतलब सर्विस, जो भी बोलते, होम सर्विस कर चुके गाड़ी को, चैन क्लीन कर चुके। आप लोग को बता दूं कि मतलब चैन, अगर घर पे चैन क्लीन करना है तो इसमें डबल स्टैंड नहीं आता है, उसके लिए पेडॉक स्टैंड अपने को चाहिए रहता है। पेडॉक स्टैंड लेने जाएंगे तो मार्केट से कम 3000 से स्टार्टिंग होता है, 3000-3500 ऐसे स्टार्टिंग है। जो कि मैंने मतलब अपना पेडॉक स्टैंड घर पर ही बनवाया है, वो
उसका कॉस्ट 1200 रुपये कुछ लगा है। पेडॉक स्टैंड दिखाता हूँ कैसा है। ये पेडॉक स्टैंड, ये मतलब घर पे बनाया है, पूरा व्हील वगैरह के साथ है, व्हील भी लगवाया है इसको, व्हील के साथ है पूरा, व्हील के साथ पूरा मतलब पेडॉक स्टैंड एकदम सेम तो नहीं बना है, लेकिन काम अपना ऐसा बन गया कि काम निकल जाता है अपना। खर्चा ज़्यादा आया नहीं, 1200 रुपये ही आया खाली खर्चा। सो मिलते हैं फिर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको पेडॉक स्टैंड का आएगा, जो कि मैंने मतलब पेडॉक स्टैंड घर पर बनवाया है, उसका वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए, आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।